आज हम लोग शुरू करेंगे मामलुक वंश यानी कि गुलाम वंश, यानी कि गुलाम वंश 1206 ईस्वी से लेकर 1290 ईस्वी तक भारत में शासन किया, यानी हम कह सकते हैं कि 84 वर्षों तक गुलाम वंश का भारत में अधिपत रहा। मामलुक इतिहासकार हबीबुल्ला साहब ने इन शासकों को यानी कि गुलाम वंश के शासकों को मामलुक वंश के नाम से जाना कहा, क्योंकि मामलुक वंश का अरबी भाषा में मतलब होता है दास, जबकि इतिहासकार अजीज अहमद साहब ने 1206 से लेकर 1290 ईस्वी तक के मध्य हुए सभी शासकों को उन्होंने प्रारंभिक तुर्क सुल्तान कहा, क्योंकि उन्होंने यह कहा कि सभी शासक स्वतंत्र माता पिता के संतान थे, इसलिए इन्हें गुलाम वंश न कहकर इन्हें प्रारंभिक तुर्क सुल्तान कहा गया। जैसे कि हम जानते हैं कि दिल्ली सल्तनत का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक साहब करते हैं, यानी कि जब मोहम्मद गौरी साहब की मृत्यु होती है तो उनके मृत्यु के पश्चात जितने भी इनके दास होते हैं, यानी कि मोहम्मद गौरी साहब के जितने भी दास होते हैं, वे सभी जहां पे गौरी साहब ने अपने दासों को नियुक्त किया था, इनके मृत्यु के बाद वो सभी दास अपने आप को स्वतंत्र कर लिए, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि गौरी साहब का कोई पुत्र नहीं था और उनके एक भतीजा था जो कि उनके जीते हुए प्रदेशों को नियंत्रण नहीं कर पाया, जिसके कारण जितने भी इनके गुलाम थे, जहां पे गुलामों का इनका नियंत्रण था, वे सभी अपने अपने राज्यों में राज्यों को स्वतंत्र किए। जैसा कि कह सकते हैं कि कुवाचा की बात करें, जैसे कि हमने आपको पहले बात बता चुका था कि इनके प्रमुख तीन दास हुआ करते थे, कुवाचा, यल्दोज और कुतुबुद्दीन ऐबक। जैसा कि बात करें कि सिंध में कुवाचा का अधिकार हो गया, गजनी में यल्दोज का अधिकार हो गया, और स्वयं गौरी साहब ने कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली की बागडोर संभालने के लिए बोला था, और उन्होंने कुतुबुद्दीन ऐबक साहब को इक्तेदार बनाया था। उनके मृत्यु के बाद ये भी कुतुबुद्दीन ऐबक साहब भी दिल्ली सल्तनत का निर्माण किया। जैसे ही कुतुबुद्दीन ऐबक साहब दिल्ली सल्तनत का निर्माण करते हैं, वैसे ही कुबाचा और यल्दोज का मानना था कि हम गजनी वंश के शासक हैं, इस हिसाब से दिल्ली में जो कुतुबुद्दीन ऐबक है उनसे हम श्रेष्ठ हैं, लेकिन इस बात को कुतुबुद्दीन ऐबक नहीं मानते हैं, जिसका रीजन होता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक के यानी कि दिल्ली पे यल्दोज यानी गजनी के शासक चढ़ाई करते हैं। किसी तरह कुतुबुद्दीन ऐबक साहब यल्दोज को हराते हैं और वहां पे अपना एक तरह से कहें तो अधिपत नहीं जमाते हैं, यानी कि और भूल जाते हैं, छोड़ देते हैं, यानी कमी हो जाती है उनके और वहां पे शासन करने में, जिसके कारण होता है कि बाद में यल्दोज साहब गजनी पे पुनः अधिकार कर लेते हैं। ऐसे तो दिल्ली सल्तनत के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है, लेकिन वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को माना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक साहब ने अपनी राजधानी, इनकी राजधानी लाहौर थी और वहीं से ये शासन संचालित किया करते थे।
तुलसी एवं साहब की बहुत सारी उपाधियां है, जैसा कि बात करें लाख बक्स की, इसके इस लाख बक्स के बारे में मिन्हासी ट्रास बाबत बताते हैं, जो उनकी ग्रंथ है यानी कि उनकी जो पुस्तक है तबकात-ए-नासरी में मिन्हास विराज बताते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक लाखों का दान किया करते थे, और लाखों के दान करने के कारण ही इन्हें लाख बक्स कहा गया। इनकी और भी बहुत सारी उपाधियां हैं, जैसे कि पिपलो बक्स, इसका मतलब होता है कि ये हाथियों का बहुत ज्यादा दान किया करते थे, साथ ही साथ इन्हें हातिमताई भी कहा जाता था, क्योंकि यह किसी भी प्रजा की जनता की बात को सुनते थे, समझते थे, उनके दुख को समझते थे, जिनके कारण इन्हें हातिम ताई भी कहा गया। और ये बहुत ज्यादा यानी कि कुरान के भी ये बहुत अच्छे जानकार थे, जिनके कारण इन्हें कुरान खां भी कहा गया। कुतुबुद्दीन ऐबक कभी भी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, क्योंकि ऐबक साहब मोहम्मद गौरी के दास थे। मोहम्मद गौरी के उत्तराधिकारी गयासुद्दीन महमूद ने 1208 में इन्हें मुक्ति पत्र प्रदान किया था। मुक्ति पर पत्र प्रदान करने के बाद दासता से इनकी मुक्ति मिली, लेकिन इस्लामिक परंपरा के अनुसार यह वैध नहीं था। इसलिए कुतुबुद्दीन ऐबक जब शासक बनते हैं तो शासक बनने के बाद भी अपने आप को मलिक एवं सिपा सलार की पद पे रहे, और मोहम्मद गौरी ने ही कुतुबुद्दीन ऐबक साहब को अमीर ए आकुर की उपाधि प्रदान किए थे। उस समय अमीर ए आकुर का पद बहुत बड़ा पद होता था। इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक साहब के समय में कुछ मशहूर विद्वान की, जिसमें हसन निजाम, इतिहासकार हसन निजाम साहब के बारे में बात करें तो इन्होंने ताज उल मस्जिद का निर्माण कराया था। इसके बाद नेक्स्ट इतिहासकार फख्र ए मुदबिर की बात करें तो इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, इस पुस्तक का नाम था सजरा ए अंसा। इन्होंने यानी कि फख्र ए मुदबिर साहब ने अपनी रचना यानी अपनी पुस्तक में सजरा ए अंसा में इन्होंने ऐबक के जीवन के बारे में प्रकाश डाला है। साथ ही साथ इस पुस्तक में तुर्क जनजाति प्रारंभ में कैसे थे इसकी जानकारी मिलती है, यानी हम कह सकते हैं कि सजरा ए अंसा में तुर्क जनजातियों की आरंभिक इतिहास के बारे में हमें पता चलता है। कुतुबुद्दीन ऐबक साहब के समय में बहुत सारा स्थापत्य कला का भी विकास हुआ था, जिसमें एक महत्वपूर्ण अवसर है ढाई दिन का झोपड़ा। ये ढाई दिन का झोपड़ा आपका अजमेर में स्थित है, अजमेर के राजस्थान में। इस झोपड़े का निर्माण यानी इसका वास्तु शैली इंडो इस्लामिक थी। इसके बाद स्थापत्य कला की ओर आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि इन्होंने कुबत उल इस्लाम
मस्जिद का निर्माण कराया था। यह कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद आपके दिल्ली में राय पिथौर के किले के निकट है और इसे 1192 में ऐबक द्वारा बनवाया गया था। इस मस्जिद का विस्तार ऐबक साहब के बाद इल्तुतमिस एवं अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा भी करवाया गया था। इन स्थापक कला के बारे में अगर बात करें तो कुतुब मीनार की बात करें तो कुतुब मीनार की नींव इन्होंने 1199 में दी थी और यह कुतुब मीनार दिल्ली के महरौली में स्थित है। यह कुतुब मीनार का निर्माण यानी कुतुब मीनार की नींव मोहम्मद गौरी साहब डालते हैं और इस कुतुब मीनार का निर्माण बख्तियार काकी के याद में हुआ था। इस कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक साहब ने दिया था लेकिन इसको वो पूरा नहीं कर सके और अचानक चौगान खेल खेलते समय इनकी मृत्यु हो जाती है। इनके मृत्यु के बाद कुतुब मीनार की नींव जो पड़ी थी यानी कि इसके बाद जो शासक इल्तुतमिश होते हैं इल्तुतमिश ने इस कुतुब मीनार के निर्माण को पूरा करवाया। इल्तुतमिश के बाद फिरोज शाह तुगलक के शासन काल में कुतुब मीनार की चौथे मंजिल का जीर्णोद्वार हुआ यानी कि मरम्मत हुआ और साथ ही साथ पांचवें मंजिल का भी निर्माण हुआ। कहा जाता है कि इब्राहिम लोदी ने भी कुतुब मीनार की जीर्णोद्वार द्वार कराई थी यानी कि मरम्मत कराई थी।